नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में बदले माहौल में खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों की ओर युवाओं का रुझान बढ़ता जा रहा है। घाटी में खेल सुविधाओं के विकास और विस्तार ने छात्र छात्राओं का ध्यान इस क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने और करियर बनाने के लिए खींचा है। हम आपको बता दें कि इस समय घाटी में भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। घाटी की बेटियाँ हाथ में हॉकी की स्टिक उठाए इस खेल में अपना हुनर दिखाना चाहती हैं। लड़कियों का कहना है कि उन्हें हॉकी का प्रशिक्षण भी मिल रहा है और इस खेल में काफ़ी संभावनाएं भी हैं, इसलिए उन्होंने इसे चुना। हॉकी खिलाड़ियों और कश्मीर हॉकी अकादमी से जुड़े लोगों का कहना है आने वाला कल उनका ही है। टूर्नामेंट्स और लीग्स ऐसे होते रहेंगे तो हर एक लड़की जो भी नहीं भी खेलती हैं अभी वो भी और ज़्यादा एंथुजास्टिक से खेलेंगी, आएंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। तो टूर्नामेंट और लीग्स होने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लड़कियां इसमें इंटरेस्ट दिखा रही हैं क्योंकि ये हमारा नेशनल गेम है और लड़कियां चाहती हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड बढ़ते रहें। वैसे लड़कियां हर एक गेम में इंटरेस्ट दिखाती हैं, लेकिन वैली में आजकल हॉकी में इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रही हैं क्योंकि लड़कियां इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। वो चाहती हैं कि हम इस फील्ड से आगे आगे स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड बढ़ते रहें, नेशनल खेल सकें आगे। फिर नेशनल में कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जहाँ पर टीम्स आई होती हैं जो कि आगे जाकर इंडिया की टीम में सिलेक्शन हो पाता है, इसलिए गर्ल्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं। नेशनल स्पोर्ट्स है तो ये तो ज्यादा ज्यादा प्रमोट होना चाहिए एंड लड़कियों का इसमें आना इज गुड। इसमें ज्यादा पहले नहीं होता था बट आप देख रहे हैं डे बाय डे बढ़ रहा है, इसमें भी प्रमोशन हो रहा है। हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है और हॉकी एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और इन पिछले सालों में कश्मीर में स्पेशली हॉकी के बहुत टूर्नामेंट्स हुए और हॉकी गेम जो है वो बहुत आगे बढ़ रही है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की टीम्स आ रही है और टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और स्पेशली गर्ल्स उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये गेम बहुत ज़्यादा अभी सब खेल रहे हैं कश्मीर में और इसको और इनक्रेजमेंट भी मिल रही है। हमारी बच्चियाँ जिस तरह तजम इस्लाम हेड्स ऑफ टू हर वो गोल्ड मेडल, उसके बाद कई और भी मेडल है। इस करके अगर इन बच्चियों को भी ये प्लेटफॉर्म मिलेगा, इनको अच्छे टूर्नामेंट मिलेंगे और बाहर से टीमें आके यहाँ खेलेंगी तो इनको ज़बरदस्त एक्सपोजर मिलेगा और मैं इट्स माई यू कैन से बिलीफ कि ये भी नेशनल और इंटरनेशनल पे जा सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।